इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ पनामा की जनाइना टेवानी मैनकोमो लालबाग में चल रहे हृदय दृश्यम कला उत्सव में पहुंचे। यहां उनका स्वागत ढोल की थाप और बुनकरों द्वारा तैयार दुपट्टा उड़ाकर किया गया। मेहमानों ने इस उत्सव में लगी प्रदर्शनी में जाकर चरखा भी चलाया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों के 3500 से अधिक मेहमान शहर में आ चुके हैं, जो अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में लालबाग पैलेस में चल रहे हृदय दृश्यम कला उत्सव में भी मेहमान पहुंचे और भारतीय संस्कृति को करीब से निहारा। इस उत्सव में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के अलावा पनामा की जनाइना टेवानी मैनकोमो पहुंचे। मेहमानों ने इस उत्सव में लगी प्रदर्शनी में जाकर चरखा भी चलाया। सूरीनाम के राष्ट्रपति पत्नी सहित प्रदर्शनी देखने पहुंचे तो खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो गया। उन्होंने भोपाल में होने वाली जरदोजी कलाकारी की हुई कृति और गोंड पेंटिंग किया हुआ कपड़े का बैग रागिनी फाउंडेशन के स्टॉल से लिया। इसी तरह गुयाना के राष्ट्रपति भी इंदौर की कलाकार रितु द्वारा तैयार पूजा की थाली और कलश भी अपने साथ लेकर गए। And the other side you can see a dupatta which is worn by Indian women. This is called the Maheshwari. And this artwork is for gold art. It's a tribal art of Madhya Pradesh. The other art form which is gold art we are trying to promote through different products like this clutch from the sarees or other products. So you can see the things that are inside. So this is ready to go. मेहमानों ने न केवल वहां के उत्पादों को देखा समझा बल्कि वहां प्रस्तुत हुए लोक नृत्य व लोक संगीत का भी आनंद लिया। बुंदेलखंड का नौरता, निमाड़ का गणगौर नृत्य और गोंड जनजाति का सैला नृत्य भी मेहमानों को खूब भाया।